क्वेश्चन है 13.2 डू बेंड्स इन अ वायर अफेक्ट्स इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सो इसको एक्सप्लेन करना है आपने गाइस सो बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला आपके पास होता है गाइस R रो L upon A दैट मींस के लेंथ चेंज करने से जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है और लेंथ डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है ठीक है इसी तरह से रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है ठीक है और एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है ठीक है गाइस सो so, यहाँ पर बेसिकली हम देख सकते हैं कि क्लियरली फॉर्मूले से अगर कहीं बैंड हो जाए कहीं पर स्मॉल बैंड हो जाए ठीक है वायर जो है स्मॉल आप बैंड कर लेते हैं ठीक है तो इस बैंड के नतीजे में रेजिस्टेंस फिजिकली कैसे भी चेंज नहीं हो सकती है ठीक है बिकॉज़ uh, ये जो है डिपेंड uh, करती है सिर्फ और सिर्फ जोमेट्री पर और नेचर ऑफ़ दी कंडक्टर यानी नेचर ऑफ़ कंडक्टर और सिर्फ जोमेट्री पर डिपेंड करती है रेजिस्टेंस। तो इस वजह से बेसिकली ज़रा जा, सा बैंड करने सेक्शनल एरिया चेंज नहीं होगा ना ही इसकी लेंथ चेंज होगी सो so, और एज़ वेल एज़ इसकी कोई फिजिकल यानी टेम्परेचर कंडीशन जो है वो चेंज नहीं होगी सो so, इसका मतलब है कि रजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होने वाली तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस जो है वो अफेक्ट नहीं होगी ठीक है अब इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे लिखेंगे तो गाइस आप इसको इस तरह लिखेंगे कि बेसिकली रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर की ज्योमेट्री और उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करती है ज्योमेट्री यानी ये जो दो अपॉन एलोन है ये ज्योमेट्री हो गई और रॉ जो है बेसिकली ये इसकी नेचर हो गई ठीक है सो दैट्स वाई अगर कोई लिटिल बेंड भी हो वायर के अंदर तो बेसिकली कोई इससे अफेक्ट नहीं पड़ेगा